हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं आ गया वापस आपको अपडेट लेके वक्रांगी पे। आज वक्रांगी पे वापस लोअर सर्किट लगना चालू हो गया। मैंने इसी लेवल पे आपको बोला था कि 41-45 के आसपास जाकर के सर्किट लगेगा, आप उस रेंज से पहले बाहर आ जाना। और अगर ये 45-50 क्रॉस करता तो आपको 72 का सेकंड लेवल होता, और 72 के बाद ये स्काई बहुत ही अच्छा खासा आपको गेन दिखाएगा। अब अभी से बता दूंगा कि बहुत ऊपर जाएगा तो फिर से बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं और लोग ये पूछते हैं कि आपको सारा लेवल कहाँ से मालूम होता है। तो अब कोई बात नहीं, वेट कीजिए, इसको अभी बाई मत कीजिए। वापस ये आपको 23 रुपये के आसपास मिलेगा, आपको 20 से 23 रुपये, वो चार्ट पे आपको दिखा दूंगा। आज देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम डिलीवरी के साथ इसको सेल किया जा रहा है। 1 करोड़ की वॉल्यूम आज, 1 करोड़ 20-24 लाख 25 लाख के वॉल्यूम से इसको गिराया जा रहा है। तो इसलिए सही टाइम क्या है, आप इस लेवल को आप पकड़ नहीं पाते 40, इसलिए 38-39 में मैंने आपको बोला था कि पहले निकल जाना, ताकि इस वॉल्यूम 40 पे निकालेगा, 41 पे निकालेगा, 42 पे निकालेगा, 45 पे निकालेगा, ये पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अगर आप चार्ट पे देखेंगे ना, ये देखिए 41.28 पे इसका सबसे बड़ा रेसिस्टेंस था, और इसका सपोर्ट 20 पे है, और सेकंड इसका जो है 69 पे है। और ये 69 क्रॉस करता है ना, तो ये स्काई हो सकता है, आपको सीधा 69 के 136 दिखाएगा आपको, तो बहुत ही अच्छा भागेगा। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा इसके बारे में अगर ब्रीफ कर दूं, ये 23 से जो ऊपर स्काइप किया था, इसका एक न्यूज आया था, और आप ये न्यूज भी आपको दिखा दूं। तो ये सिर्फ न्यूज एक आया था जिसमें अच्छे खासी इसकी बढ़त, यहाँ पे इनको क्या हुआ था, क्लीन चिट मिला था। ये सेबी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और ईडब्ल्यू ने इनको क्लीन चिट दिया था, और ये 23 रुपये से जो भागा वापस ये जाकर के 40 रुपये पे रुका, और आज ये अपनी लोअर सर्किट को तोड़ रहा है। तो अब देखेंगे, जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद 5% का सर्किट से गिर रहा है ये, तो कोई बात नहीं। अब ये गिर, अब क्या करेंगे, तो एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ ये करती क्या है कंपनी। तो वक्रांगी इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग डाइवर्स सॉल्यूशन एक्टिविटी इन ई गवर्नेंस ई कॉमर्स सेक्टर इंक्लूडिंग बिलियंस एंड ज्वेलरी थ्रू इट्स, पहले ज्वेलरी कर रही थी जो पीसी ज्वेलर के चक्कर में गिरा था, कैन थ्रू इस वक्रांगी कैन बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर बेसिस एंड विद स्पेशल कंपिटेंस इन हैंडलिंग ऑफ मासिक मल्टी स्टेट एंड ई गवर्नेंस एनरोलमेंट प्रोजेक्ट्स डाटा डिजिटलाइजेशन आधार कार्ड वगैरह का काम करती है। इसका करंट प्राइस 41 है और 52 वीक लो हाई जो है 515, लो 22.35 है। डिविडेंड देती है 0.61 का। सेल्स ग्रोथ देखिए 32% है, सेल्स ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेब्ट देखिए 0, डेब्ट फ्री कंपनी है। कैश देखिए इसके पास 1400 करोड़ का कैश है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 9% से, ये कंपनी एज ए होल खराब नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 1.68 का आपको मिल रही है, ये एज ए कंपनी खराब नहीं है। मैं अभी वापस बोल रहा हूँ आपको, इस पर आप पोजीशन बनाए लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा खासा आपको दे सकती है, मुझे ऐसा इसके सेल्स ग्रोथ से लगता है, ऐसा डाटा से लगता है। कैश फ्लो देखिए इसका, कैश सॉलिड कैश फ्लो 294 करोड़। अब ये सेल देखिए यहाँ पे आपको 6000 करोड़ टोटल अभी तक देखें तो इसका सिर्फ 5000 करोड़ का सेल हो चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 15 की जगह 9% का प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और अब यहाँ पे भी देखेंगे नेट प्रॉफिट में भी, तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो अगर सेल्स ग्रोथ 32% का मेंटेन करती है और 2020 तक जो इसने 37,000 केंद्र खोलने का प्रॉमिस किया है, और ऐसा करती है तो ये बहुत सारे रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है, 43% कैपिटल इम्प्लॉयड पर रिटर्न है, 0 डेब्ट की कंपनी है। तो वापस मैं आपको चार्ट पे जाऊंगा और वापस आपको बताऊंगा कि अब ये वापस आपको 23 के आसपास वापस मिल जाएगा, ये आपको वहाँ पे बाई करना है और वापस आपको वेट करना है। वापस आपको 41 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना अपना जितना पोजिशन है, लेकिन किसी कारण से अगर 72 तोड़ती है तो आपको यहाँ पे 136 का लेवल, 137 का लेवल देखने को मिलेगा। ये जस्ट यहीं पे देखिए जो 41.2 पॉइंट, यहीं पे ये क्रॉस नहीं कर पाता है, इसी लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है, और ये हर बार ये लास्ट टाइम भी यहीं से फॉल किया था, वापस ये यहीं से फॉल कर रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ क्रॉस कर लेने दीजिए और एक बार ये लेवल को क्रॉस कर लेने दीजिए कि यहाँ पे बार बार फॉल करता है। अगर यहाँ से क्रॉस करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा ये, और यहाँ अगर क्रॉस कर लेता है 70 क्रॉस करता है तो आपको 136-137 का दिखाएगा। ये चार्ट पे जो बता रहा ना मैं वही बताता हूँ, मैं कोई अपने मर्जी से आपको कोई भी लेवल नहीं बताता हूँ। तो ये 22.28 जो है ना, ये सपोर्ट है, सॉरी थोड़ा सा नीचे हो गया था, तो 22.28 पे इसका सपोर्ट है, तो 23 मान लीजिए,
तो 23 के सपोर्ट से वापस आप इसको बाई कर सकते हैं, ये वापस 38, 40 और यहाँ से फिर 70 और 70 के बाद 137, ये इसका लेवल होगा जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो आप इस लेवल के लिए इसको बाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आप 40 का वेट नहीं कीजिएगा। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है थोड़ा पहले कर लीजिएगा, और अगर आपको वेट कर जिस समय अगर 70 क्रॉस कर देगा तो ये फिर ओपन स्काई में जाएगा 137 और 137 के और ऊपर जा सकता है। तो ठीक है, अभी इसको खेलने दीजिए, हो सकता है यहाँ पे एक बॉटम बना चुका है या डबल बॉटम बना रहा, और एक दो बार बॉटम बना के कंफर्मेशन आ जाने दीजिए और कुछ अच्छी न्यूज आ जाने दीजिए, इसके साथ और भी अटैचमेंट न्यूज आ जाने दीजिए, तो ये एक अच्छी खासी दौड़ लगाने को तैयार है। मैं सिर्फ इसके फाइनेंशियल बेसिस पे बता रहा हूँ, फाइनेंशियल अगर इसका अच्छा है तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें और कोई भी डिसीजन उनसे पूछ के ही लें। ये सिर्फ मेरा अपना व्यू है इस प्रोडक्ट के बारे में कि वक्रांगी कहाँ जा सकता है। फिर से लेवल आपको बता दो, 23, 41, 72, 137 ये रेंज है। आप ऊपर नीचे देखते रहें, इससे पोजीशन बनाते रहें, और कोई भी बिजनेस इसमें अपडेट आएगा, न्यू आएगा, तो मैं आपको वापस इस पे लेके आ जाऊंगा और आपको बता दूंगा कि क्या चल रहा है। आप इसके लिए भरोसा रखिए कि वापस 23 पे मैं आऊंगा, आपको बताऊंगा यहाँ पे बाय करना है, तो वापस आपको अपडेट कर दूंगा। सेंटिमेंट अभी बाय का दिखा रहा है, आप बाय पे मत जाना, अभी सेंटिमेंट रहने दीजिए अपनी जगह पे। आप इसको सेल करके पोजीशन बना सकते हैं, अगर सेल करते हैं सेल में पोजीशन बनेगा नहीं है, कैश में है तो डेली ओपनिंग में लोअर सर्किट ही मारेगा 5% का, तो कोई फायदा नहीं होगा आपको, ये फ्यूचर का डेरिवेटिव का शेयर नहीं है। तो आप 23 का वेट कीजिए, 23 पे बाय कीजिए और जैसा रेंज बताया वैसे रेंज पे आप काम कीजिए, इसमें आपको प्रॉफिट बुक छोटा छोटा मिलते रहेगा। शेयर एज ए फाइनेंशियल मुझे अच्छा दिखता है, इसके फाइनेंशियल चीज़ को देख करके मुझे बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए इस पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा बाय है। अगर कोई ऊपर के लेवल पे फंसे हैं तो कोशिश कीजिए वापस 23 के आसपास जब आता है तो अपने शेयर को एवरेज करके अपने पोजीशन में बना के रखिए, तो आप जल्दी निकल पाएंगे। अदरवाइज आप वहाँ स्टे करते हो तो वो लेवल तो जाएगा ही। चलिए वापस, अगर ये सारा पेपर ट्रेडिंग कीजिए और कोई भी पोजीशन बनानी हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।